प्रधानमंत्री जी की कयादत में भारतीय जनता पार्टी की नेशनल इलेक्शन कमेटी की अपने जम्मू कश्मीर की असेंबली के उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान करती है और फिर उस लिस्ट को कैंसिल कर देती है। पत्रकार मित्रों के टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं कि मेरा इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। तो सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, बौखलाहट में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस से, गठबंधन से डरी हुई है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस जो है ये 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत बनाने जा रहा है। नंबर एक। नंबर दो, आने वाला मुख्यमंत्री 4 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का बनेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कार्यकर्ता हैं, एक सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, इसकी ऐतिहासिक पार्टी है, कांग्रेस भी एक सबसे पुरानी पार्टी है, ऐतिहासिक पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर के इतिहास में अपना एक रोल है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, उमर अब्दुल्ला भाई का, शेख महमूद अब्दुल्ला साहब का, जिस तरीके से हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की ये रियासत है, इतिहास जम्मू कश्मीर का महाराजा हरि सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आज ये जो लिस्ट कैंसिल हुई है, ये उनका अंदरूनी मामला है, डरे हुए हैं कि उनके तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं वो बहुत कमजोर हैं, दूसरी पार्टियों से चल करके आए, उनको मैंडेट मिल गया और जो अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, स्पीकर्स रहे हुए, उनको उम्मीदवारी का टिकट नहीं मिला, तो डरे हुए हैं, बुखलाए हुए हैं कि पार्टी में रिवोल्ट होने वाला है और पार्टी हार भी रही है जम्मू कश्मीर में। बुरी तरह से इसका सफाया होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम और नौजवान बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से खफा है। नंबर दो, हर रोज अमित शाह जी इलेक्शन मैनिफेस्टोज के ऊपर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। आर्टिकल 370 की बहाली की जो बात उनके मैनिफेस्टो में है, तो इसमें बुराई क्या है? हमें 370 जो था हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था, तो आप जो इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है आरोप लगाते रहते हैं, उनसे मैं ये देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी आपको डिबेट के लिए निमंत्रण करता हूं, आइए। आप जम्मू कश्मीर के, आप कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के फैसले, रियासत को तोड़ना, यूनियन टेरिटरी बनाना, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, स्टेट सब्जेक्ट छीनना, हमारे जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी रीऑर्गेनाइजेशन करके अब जो आपने बदली है, आइए मैं आपको न्योता देता हूं होम मिनिस्टर अमित शाह जी की, माननीय होम मिनिस्टर साहब आप आइए, आर्टिकल 370 के ऊपर भी डिबेट करते हैं, 5 अगस्त 2019 के जो आपने फैसले लिए हो उसके ऊपर भी डिबेट करते हैं, और जो असेशन हमारे डोगरा रियासत का महाराजा हरि सिंह जी भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हुआ है उसके ऊपर भी हम डिबेट करते हैं। अगर आप डिबेट का न्योता स्वीकार करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, और अगर आपका कोई प्रवक्ता, नेशनल प्रवक्ता भी डिबेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी को भी नहीं होता है, इनके जो इंचार्ज है जम्मू कश्मीर के चुनावों के, अगर वो भी डिबेट के लिए आना चाहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, 5 अगस्त 2019 के फैसलों को लेकर के जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हुआ है, आइए डिबेट कर लीजिए आर्टिकल 370 स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर, हमारी जम्मू कश्मीर की विरासत के ऊपर, न्योता खुला निमंत्रण है।